एयर डिफेंस को और मजबूत बनाएगा रूस। इस बीच एक और अपडेट, फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने के बाद यह फैसला लिया। एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल एंड्री डैमिन ने यह बात कही है, अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। एंड्री डैमिन का यह बयान, हवाई खतरों से निपटने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। और एक तरफ रशिया को घेरने की कोशिश, नाटो का दायरा बढ़ाता हुआ अमेरिका और लगातार ये धमकी देता हुआ कि हम रशिया को चारों तरफ से घेर लेंगे। इस बीच रशिया अपनी ताकत में इजाफा करता हुआ और ये ऐलान कि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत करेंगे, क्योंकि खतरे का अंदाजा रशिया को है। रशिया ये समझ रहा है कि उसकी घेराबंदी कर रहा है वर्ल्ड पावर अमेरिका, और इससे वो अछूता नहीं है, इसलिए अपनी ताकत को बढ़ाना होगा अगर सर्वाइव करना है तो। इस बीच देखिए, यूक्रेन और फिनलैंड से डर गया है रशिया और रूस ने अपना हवाई पहरा बढ़ा दिया है। ये क्यों कह रहे हैं, इस डिटेल में आपको बिग बॉल के जरिए समझाने की हम कोशिश करते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को और भी रशिया ने मजबूत करने का फैसला कर लिया है। यूक्रेन के हवाई हमलों को रोकने के लिए 14वें महीने में यह तय किया गया है और यह नई रणनीति सामने आई है। यूक्रेन रूस में घुसकर ड्रोन हमला कर सकता है, यह भी खबर आई है। क्रीमिया और मॉस्को में कई बार ड्रोन अटैक हो चुके हैं, जिसके बाद अब अलर्ट पर है रशिया। एयरबेस को भी ड्रोन से निशाना बना चुका है यूक्रेन, जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से अब रशिया की चुनौती बढ़ गई है और इसीलिए यह फैसला किया गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम को, जो मौजूदा सिस्टम है, उसको और बेहतर करने की जरूरत है। मतलब खतरे का अंदाजा रशिया को हो चुका है। एसपी सिंह सर, यह समझाने की कोशिश करिए कि जाहिर तौर पर अमेरिका रशिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, इस बात का अंदाजा है, लेकिन फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद खतरा बढ़ गया है और शायद इसीलिए यह फैसला किया गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है। क्या रशिया डर गया है? नहीं, जिसमें रशिया को डरने की बात नहीं है। मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे जो बेस्ट परफॉर्मिंग और सबसे स्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है वो रशिया का है। रशिया ने S-300, S-400 और S-500 बना लिया है। तो ये जो सिस्टम है, ये बेसिकली रशिया के सिंपल, जो मैं आपको बताना चाहूँ, ये ना सिर्फ उसको फाइटर एयरक्राफ्ट से, बॉम्बर एयरक्राफ्ट से और आने वाली मिसाइलों से, जैसे कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, वो भी प्रोवाइड करते हैं। अब इनमें सब में जो मेन कमी जो आज तक रही है वो यह है कि एंटी ड्रोन सिस्टम जो है इनके अंदर इंस्टॉल नहीं है। तो अभी सारी वॉरफेयर, एयर वॉरफेयर शिफ्ट हो गई है ड्रोन पर, तो ड्रोन का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो इनको लाना पड़ेगा, जिससे आप सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। अदरवाइज जो रशिया की एयर डिफेंस सुरक्षा है वो सबसे सक्षम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखिए S-400 जो है, जो हमारे भारतवर्ष में भी आया हुआ है, उसकी रेंज जो है 400 किलोमीटर दूर आने वाले किसी भी विमान को पकड़ सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन S-400 ड्रोन को तो नाकाम नहीं कर सकता ना, इसलिए मैंने यही बोला अभी, यही सबसे बड़ी वजह। और हम लगातार देख रहे हैं रूस की सीमा के अंदर दाखिल होकर यूक्रेन कैसे ड्रोन हमले करने में सफल हो पा रहा है। ये एक बड़ी चुनौती है रूस के सामने।